हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वो हुआ शिफाली, जो कि दरवाजा खड़का रही थी बिग बॉस दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, और यहाँ पे बैठे हुए सिद्धार्थ देव, शहनाज और आरती, ये बोल रहे थे भैया छोड़ दे अब तू बात बंद खत्म भी कर और जाके बिग बॉस से बात कर ले। शिफाली अड़ी बैठी थी, नहीं बिग बॉस मुझे घर से बाहर निकालो, मैं यहाँ पे शहनाज को नहीं टॉलरेट कर सकती, बदतमीज है, ये है वो है, चलो कुछ कर कर आगे। यहाँ पे बात थोड़ी ठंडी पड़ी तो इतने में आसिम उठा। आसिम को सुबह मॉर्निंग में उठते चाय पी की तलब लगती है, उसने चाय पत्ती बनानी थी, चाय पत्ती उसे मिल नहीं रही थी। अचानक पारस को पूछा, भाई पारस चाय पत्ती क्या है? पारस ने कहा, भाई इतनी बची है ये तो खत्म हो गई है। तो इन बात में डिस्कशन चल रही थी सिद्धार्थ शुक्ला और पारस सबके बीच में, तो आसिम ने कहा, भाई तू एक कोई मर्द वाले काम कर। इतने में ये कहने पर जो पारस भड़का, इतना भड़का पता नहीं उसको ये वर्ड क्यों इतना पिंच कर गया, उसने आसिम को माँ बहन की गलियाँ निकाली, माँ ये बहन वो सब जितनी गलियाँ थी वो निकाल डाली। इतने में आसिम को भी गुस्सा गया, भी तूने मुझे मेरी माँ की या बहन की गली क्यों निकाल रहा है, और वो फिजिकल फाइट, इतनी तगड़ी फाइट हो गई फिजिकल कि आसिम ने चीज़ें उठा उठा के मारनी शुरू कर दी। सिद्धार्थ शुक्ला भी कंट्रोल में, भी आसिम नहीं आ रहा था, और इतने में देवलीना आ गई। पता लगा भी वो चाय की पत्ती जो थी वो देवलीना ने छुपाई थी कि भाई चाय की पत्ती कम पड़ रही है, दो दिन अभी रहते हैं चाय खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला, अभी चाय है क्या हो गया, चाय पत्ती छुपाने की जरूरत क्या है, जो है तो सबके साथ है भाई, तुम पी रहे हो अपने छुपा रहे हो ये कोई मतलब नहीं है ना, जब तुम कोई बिग बॉस से चाय पत्ती दिया है, खाना सामान बिग बॉस का है, तो इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं बनता छुपाने का। आसिम इस बार ये लड़ाई थी इतनी अल्टीमेट हो गई कि बिग बॉस को दो या तीन बार बीच में बोलना पड़ा, भाई कुछ देर के लिए आसिम अलग बैठ जाए और पारस अलग बैठ जाए और शांति से बैठ जाओ घर के अंदर, कोई मत बोलो। बस ये बोलने के बावजूद भी वो चीज़ थंपे नाम नहीं ले रही थी। अब दो ग्रुप बन चुके हैं, एक ग्रुप आसिम का था एक साइड चले गया, दूसरा ग्रुप पारस की साइड चले गया, तब लगी और फिर दोबारा भिड़ गए आपस में। हार के बिग बॉस को एक बारी जोर से बोलना पड़ा, भाई ठीक है और कि तुम बंद करो, ये तुम बंद करोगे कि नहीं करोगे। और एंड में हुआ क्या, तीनों को सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम और पारस को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुला लिया, और कन्फेशन रूम में बुला के वहीं पर झाड़ना है, और ये आपस में वहीं पर लड़ने लगे आपस में। बिग बॉस ने कहा, भाई क्या हो रहा है ये बताओ, तुम क्या करना चाहते हो, टास्क तुम नहीं कर रहे, माँ बहन की लड़ाइयाँ तुम कर रहे हो, लड़ाइयाँ तुम कर रहे हो, ये ऐसे करेगा क्या चलेगा, घर ऐसे चलते हैं या तो ऐसे घर में बॉन्डिंग के साथ रहता है, तुम पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हो। तो कल इन तीनों को बल्कि अच्छी झाड़ मिली, इसमें सिद्धार्थ शुक्ला की गलती कम थी, उसको झाड़ भी कम पड़ी, आसिम और पारस को झाड़ पड़ी। और बिग बॉस ने कहा, अब तुम बाहर जाओ और शांति से अलग जगह बैठ जाओ, और अगर आप लड़े तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतने में जब ये तीनों बाहर आए, इन्होंने आगे बताया, अभी बिग बॉस ने पारस ने खासकर बोला कि भी अपनी टीम को भी बिग बॉस ने बोला भी गलती तुम सबकी है, तुम सब गलतियां कर रहे हो। तो इतने में देवलीना भड़क पड़ी कि भाई बिग बॉस ने सबका नाम कैसे ले लिया, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। यहाँ पे मुझे देवलीना की गलती लगी अननेसेसरी, भाई तूने भी कितनी गलतियाँ करी, तूने भी फिजिकल टास्क में हुई फिजिकल हुई थी तो गलतियाँ तूने भी करी हैं, तो सबका नाम लिया तो सबका ही है। देवलीना कहती नहीं मैं नहीं रहना चाहती इस घर में, ये है वो है, तो देवलीना मुझे यहाँ पे बहुत गलत लगी। उसके बाद दूसरी एक और रुख दिखाया गया कि जो सिद्धार्थ शुक्ला था वो रश्मि के पास गया, बैठ के आराम से बात करी, भाई हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, दोनों बड़े बड़े ढंग से बात करी, सिंसियरली बात करी कि भी आगे से हम अपने जो भी होंगे डिस्कशंस होंगे या कुछ आपस में सॉल्व कर लेंगे, इसमें लड़ाई के अंदर अपनी करेंगे या लड़ाई को नहीं बढ़ाएंगे। बट वही है, जब दोनों अलग अलग गए तो जो दोनों की टीम वाले थे वो देखो आपको पता ही है सुलझने देंगे नहीं, वो भी अलग गए, नहीं वो अब अभी प्यार से बात कर रहा है, बाद में फिर वैसी हो जाएगा, ये हुआ है। चलो हल्का हल्का बिग बॉस का इंटरफेयर करने पर घर का माहौल थोड़ा थोड़ा कूल होना शुरू हुआ। अब जब माहौल थोड़ा सा कूल हो चुका था, बिग बॉस ने वही इकट्ठा किया सबको, एक नया टास्क दिया, ये दिवाली के टास्क की शुरुआत थी, इसके अंदर कुरकरे टास्क नाम रखा गया। इसके अंदर था कि कुरकरे के पैकेट से बहुत सारे थे नीचे आपके ज़मीन पे बिखार दिए गए, उन पे सब पे कैशबैक था, पेटीएम कैशबैक, एक तरह की ऐड भी थी उनकी और कैशबैक भी था। और दो टीमें बना दी गई, टीम ए टीम बी, टीम ए वही सिद्धार्थ शुक्ला, टीम बी वही पारस। बट सिर्फ जो इनकी टीम थी इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना करा कि जो देवलीना पारस की साइड थी, देवलीना को शुक्ला की टीम में डाल दिया गया। अब इनको क्या करना था, ये बजर बजता ही कि इनको पांच वक्त टाइम मिले थे, पांच बार ये पैकेट्स को उठा के ला सकते थे वहाँ से, जो कि मैक्सिमम कैशबैक के थे, और दो बंदों को जाना था पैकेट उठा के ले जाना था और सपोर्ट टीम को खाना था, जो ये पांच पैकेट पूरे पहले खा लेगा तो उसको वो टास्क जीतता। इस तरह टास्क स्टार्ट हुआ, टास्क बहुत अच्छी तरह हुआ, अच्छा परफॉर्म किया गया, थोड़ा सबक ले लिया घर वालों ने, कूल करा टास्क को, और ये टास्क को जो कैशबैक था एंड में जब बजर बजा तो दोनों के कैशबैक 80-80 रुपये थे। बट जो सिद्धार्थ शुक्ला की टीम ने पांच पैकेट पूरे कर लिए थे जबकि पारस की टीम ने चार पैकेट किए थे, तो ये टीम जो टास्क था वो सिद्धार्थ शुक्ला टीम जीत गई। तो बिग बॉस ने कहा ठीक है, एक उसको हैम्पर दिया गया कुरकरे के पैकेट्स का, और दूसरा खाने के लिए जो 80 रुपये इन्होंने कैशबैक दिया था उसमें वहाँ पर सामान आया था, जलेबी गोलगप्पे ये वो थे,
तो उसमें रेट्स लिखे हुए थे, तो 80 रुपये की चीज़ ले ली और वो इन्होंने खाने को इन्जॉय किया। तो दोस्तों ये तो थी कल के एपिसोड के बारे में। अब आने वाला दोस्तों आने वाला वीकेंड का वार है, प्लस दिवाली एपिसोड है, प्लस आपको ये भी पता है कि आज सेमीफाइनल भी है, कि यहाँ पे एक सेमीफाइनल बिग बॉस का हो जाएगा। सलमान खान आते ही गुस्से के अंदर, पावर गुस्सा जैसे मैंने आपको बताया था, और आते ही सलमान खान सबसे पहले बरसेंगे अपना पारस के ऊपर, देवोलीना के ऊपर, शिफाली के ऊपर, सबसे बड़ी सरदार देव के ऊपर। सलमान खान ने साफ क्लियर बोल देगा, भाई मेरा आज तुम्हारे साथ दिवाली मनाने का बिल्कुल मन नहीं था और ना ही मेरा आने का मन था, ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे आना पड़ा, बट तुमने ऐसा कुछ नहीं कर रहा। पारस की पूरी वाट लगाएगा कि पारस भाई तू तो भगवान बन गया, तू तो बिग बॉस से धमकी देता है, और कहीं तो तूने मुझको ही बोल दिया कि सलमान खान की चिक चिक वाली चलती रहती है। और यहीं पर उसने देवोलीना को और शिफाली को भी झाड़ दिया, भाई तुम कौन होते हो शनास का करेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले, कि शनास का करेक्टर ये है, वो है, वो है। और यहाँ पर सिद्धार्थ देव को बोला भाई तू तो बहुत बड़ा ही वो है, कि पहली बार तेरे वार्निंग दी कि तूने आरती को बोला, इस बार तूने शनास को बोला, तो भाई तू चाहता क्या है। सिद्धार्थ देव चू चू करने लगा था, सलमान खान भैया मुझे मत बता ये चीज़ें, मुझे मत समझा तू कि तू क्या चाहता है, एक राइटर है तू, इतना वो है, बड़ा बंदा है, और तू ऐसी हरकतें कर रहा है, लाना था तेरे से बंदों पर। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सलमान भाई दिवाली के बम नहीं फोड़ेंगे, गुस्से के बम फोड़ेंगे, और यही इस एपिसोड में होगा। ओए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए माय प्रिकट। और दोस्तों दिवाली आई है, दिवाली पीसफुल मनाएं, पटाखे ना बजाएं, पोल्यूशन है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और सलमान खान का है तो वीकेंड का वार भी इंजॉय कीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक के लिए सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।